नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज की सीरीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर अनाउंस कर देते हैं। दो स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, ज्योति पुष्कर और वैभव जिंदल, 8% की उसमें वृद्धि होगी। सही आंसर है इन दोनों स्टूडेंट का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कराया था एक बार, लेकिन फिर उसी को लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को 25% की कमी कर दी जाए, 25% मैंने बताया था परसेंटेज हटाएंगे, क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। सही है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4। क्या क्या था, कमी की थी तो मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। 1/5 आए, इसको कन्वर्ट करें, क्या हो रहा है इसमें, वृद्धि कर दी जाए। अब क्या बताया था कि पहले और अब, पहले कितनी थी वस्तु, 4 थी, 4 से कमी हुई कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर दोबारा कितनी थी, 5 की थी, दोबारा क्या हुआ, वृद्धि हुई, 5 से कितनी हुई, 6 हुई। सही है, 5 चौक 20, 6 तिया 18। इसने बोला कि क्या परिवर्तन होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो मैंने बताया था क्या कि एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता लगी कि इस क्वेश्चन में होना तो क्या है, कमी होनी है। क्या होना है, कमी होनी है। तो कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। अब मैंने क्या बताया था कि कमी परसेंटेज हमें पता लग गया एक की कमी हुई है, अब कितने प्रतिशत की कमी हुई है, अब हम देखेंगे 20 से क्या हुई वस्तु, 18 हुई, कितने का अंतर, 2 का। अब क्या बताया था कि कौन सा वाला लेंगे, नीचे कम वाला लेंगे या ज़्यादा वाला, मैंने बताया था विपरीत वाला लेंगे। सही है, विपरीत वाला लेंगे। क्यों लेंगे विपरीत, देखो कमी, क्योंकि कमी कह रहा है, कमी का विपरीत कौन सा होगा, ज़्यादा वाला। तो ज़्यादा कौन सा है, 20 गुना 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10%, 10% की क्या होगी, कमी होगी। देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, हल्का सा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हम लोग चलेंगे बहुत ही कम समय लगता चलेगा। क्लियर। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक नए टाइप के और परसेंटेज में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। देखो दोस्तों, सभी को पता है कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो इसी चीज़ से हम करेंगे, पहली बात भिन्न, भिन्न होती क्या है, सीधा सीधा बताऊंगा, जो एक्स अपॉन वाई के रूप में हो। तो इसने क्या कहा कि अंश में 20% की वृद्धि हो जाती है। मैंने माना वस्तु कितनी थी, अपने आप में 100% थी, तो 100 हुआ प्लस 20% की वृद्धि हो गई। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, 20% की वृद्धि होगी। और हर की बात कर रहा हूँ, 100 थी अपने आप में हर, और 5% की क्या हुआ, कमी। 100 का 5% कितना हुआ, 5 हुआ। कितनी हो जाती है भिन्न, 5/2 हो जाती है। क्लियर भाई, 5/2 क्या हो जाती है दोस्तों, 2 हो जाती है। 120, 100 में से 5 का कितना हुआ, 95, बराबर 5/2। अब बात आती है यहाँ पे करेंगे ऐसे, कौन से किसकी साइड लिया। तो सीधा सीधा एक लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फॉलो करेंगे। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड है क्या, देखो भाई राइट हैंड साइड 5/2, हम मैंने बताया राइट हैंड साइड फॉलो करेंगे। क्या हमेशा हम सीधे हाथ की ओर लेकर जाएंगे, 95 है ये इधर जाएगा, 95 120 नीचे आएगा, 5 से 120 को 5 दूनी 10, 5 चौक 20 कितना है भाई, 95 24 दूनी 48। तो भिन्न क्या थी प्रारंभ में, 95/48। क्लियर है। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो नए भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो सेम वही करेंगे, 100 स्टार्टिंग में क्या हुआ, 20% के अंश में क्या हुआ, वृद्धि हुई 20, और हर में क्या हुआ, 20% की कमी हुई। भिन्न कितनी हो गई, 4/5, कितना हो जाएगा, 120, ये कितना हुआ, 80, बराबर 4/5। मैंने क्या बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने नहीं देखा लास्ट वाला क्वेश्चन, कि हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फॉलो करेंगे। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का मैंने बताया
जो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 4/5, 80 कहाँ पहुँचेगा ऊपर और 120 नीचे, 0 से 0, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, कितना निकल गया, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15, तो हमारी मूल बिन कितनी थी, 8/15 थी। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, जैसे जैसे हम लोग मैंने बताया प्रैक्टिस करेंगे क्या होगा, मुश्किल से 5 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड लगेंगे बस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी बुक ले लीजिए आप, उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस टाइप का आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हमें नीचे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में प्रतिशत के नेक्स्ट टाइप की ओर। मैंने अब स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों को इस वाले जो कॉन्सेप्ट बेस में करा रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये नहीं कि हम एक क्वेश्चन अलग तरह से करेंगे, दूसरा अलग तरह से करेंगे, तीसरा अलग तरह से करेंगे। स्टार्टिंग में बताया था अगर एक चीज़ कर रहे हैं एक तरह से तो पूरी की पूरी सीरीज ना उसी तरह करेंगे। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। तो बताया सबसे पहला काम हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज को चेंज करना है। परसेंटेज को चेंज कैसे करेंगे, 10% क्या आएगा, 10% आएंगे 100 से भाग करेंगे, 10 × 10 = 100, कितना आया 1/10 आया। अब बात कह रहा है, मैंने क्या बताया पहले और अब, इसमें क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई तो मैंने प्लस लगा दिया। अब पहले, पहले को हम क्या मान सकते हैं, वर्तमान मान सकते हैं और अब बाद में मान सकते हैं इसको। 10 थी पहले साल, 10 से बढ़ के कितनी होगी वृद्धि हुई तो कितनी हुई होगी 11 हुई होगी। दूसरे साल बात कर रहा हूँ, 10 थी कितनी हुई 11 हुई, 10 × 100, 11 × 11 = 121, इतना समझ आ गया। अब देखो भाई करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन है ना, पहला काम मैंने बताया क्या कि बस परसेंटेज को कन्वर्ट करो, दूसरा पूरे अर्थमेटिक में हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्या सी कंपेयर करेंगे, अपने वाले की उसके वाले से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हमसे वो एक्स वाई जेड कुछ भी पूछे उसका मान निकाल देंगे। पहला तो हमने बताया परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे फिर सारा पूरा अर्थमेटिक में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, जो मेरी वर्तमान है वो कितनी है 100 है, और उसने क्या वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,80,000, तो अपने वाले की उसके वाले से कंपेयर करनी, मतलब अगर मेरे 2 हैं उसके 4 है तो मेरे 2 रुपये उसके 4 रुपये के बराबर है। तो सेम यहाँ पे भी यही करेंगे कि मेरे जो 100 है ना वो किसने के बराबर है 1,80,000 के बराबर है। अब देखो 100 क्या, इसको हम एक्स मान सकते हैं, यूनिट मान सकते हैं, कुछ भी हम लोग इसको मान सकते हैं, तो मैंने यू मान लिया, यू फोर क्या यूनिट मान लिया, 100 यूनिट मेरे 100 यूनिट किसके बराबर है 1,80,000 के बराबर है। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालूं तो कितना आएगा 1,80,000/100, 2 जीरो से कितनी 2 जीरो खत्म आ गई, कितना हुआ भाई 1,800 आ गया। इतनी बात समझ आ गई, 1 यूनिट का मान कितना आया मेरा 1,800। इसने क्या कहा 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी, कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद। अब 1 यूनिट का मान मेरा कितना आया 1,800, 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या मेरी हो रही है वो कितनी हो रही है 121 हो रही है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे 121 यूनिट का मान निकालेंगे। अब 121 यूनिट का मान कैसे, 121 और 1 यूनिट का मान कितना है 1,800, अगर तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 18 = 8, 8 × 36 = 37, 37 × 7 = 3, 18 × 18 = 3, 21 और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी, तो क्या निकल के आया हमारा 217,800। तो 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 217,800। अब ये जो यूनिट है क्या है, 1 यूनिट का मान मेरा 1,800 आया, अगर मैं कहूँ कोई वस्तु एक वस्तु 1,800 रुपये की आ रही तो 10 कितने की आएंगी 1,800 × 10 करेंगे। तो सेम हमने भी यहाँ पे भी यही किया कि 121 यूनिट है मेरा, यानी कि 2 वर्ष बाद 121 है और 1 यूनिट का मान कितना 1,800, तो 121 × 1,800 तो 217,800 हो जाएंगी 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कल करेंगे दोस्तों। इस तरह के बुक में बहुत क्वेश्चन दे रखे, कोई सी भी आप बुक उठा के ले लेना, उसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको जनसंख्या के इस तरह के मिल ही जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, कल करते हैं इससे आगे। नमस्ते, बाय, गुड लक।